स्टूडेंट, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड टीचिंग एंड लर्निंग की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक बैकवर्ड चिल्ड्रन पढ़ेंगे। बैकवर्ड चिल्ड्रन, जिसे कि हम हिंदी में पिछड़ा बालक भी कहते हैं, इस तरह के बच्चे होते हैं जो क्लास के बच्चों के साथ व उस क्लास में चल रही पढ़ाई के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते और पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सीरिल बट ने कहा है, द बैकवर्ड चिल्ड्रन इज वन हु इज अनेबल टू डू द वर्क ऑफ द क्लास नेक्स्ट ब्लो दैट विच इज नॉर्मल फॉर हिज एज। यानी कि बैकवर्ड बच्चे वो बच्चे होते हैं जो उस क्लास का जिसमें कि वो पढ़ रहे हैं और उससे नीचे की क्लास का भी काम नहीं कर पाते जो उनकी एज ग्रुप के बच्चों के लिए सामान्य बात होती है। काइंड्स ऑफ बैकवर्डनेस, सामान्यता बैकवर्डनेस या पिछड़ापन दो प्रकार का होता है, जनरल बैकवर्डनेस एंड स्पेसिफिक बैकवर्डनेस। अगर हम जनरल बैकवर्डनेस की बात करें तो जनरल बैकवर्डनेस वो बैकवर्डनेस होती है जिसमें बच्चा करिकुलम के हर विषय में पिछड़ा होता है। यानी वो हिंदी में भी पिछड़ा है, इंग्लिश में भी पिछड़ा है, मैथ में भी पिछड़ा है, साइंस में भी पिछड़ा है, उसका हर विषय में अचीवमेंट कम होता है। जबकि स्पेसिफिक बैकवर्डनेस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होती है। ऐसे बच्चे हर सब्जेक्ट में नहीं पिछड़ते, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स है या इंग्लिश है, ऐसे विषयों में वो बच्चे क्लास में पिछड़ जाते हैं। यानी कि दोनों बच्चों की अपनी अलग अलग करेक्टरिस्टिक होती है। जनरल बैकवर्डनेस वाले बच्चों का अचीवमेंट कम होता है, लेकिन स्पेसिफिक बैकवर्डनेस वाले बच्चों का हो सकता है और विषयों में अचीवमेंट अच्छा हो, लेकिन जिसमें वो पिछड़ रहे हैं उसमें अचीवमेंट कम होता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, अब हम पिछड़े बालकों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। लो इंटेलिजेंस, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन का आईक्यू लेवल कम होता है। कम आईक्यू होने के कारण ही ये क्लास के संग व क्लास में पढ़ाए जाने वाले कंटेंट के संग सामंजस्य नहीं कर पाते और क्लास में पिछड़ जाते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है स्लो लर्नर, ये बच्चे सीखने की गति धीमी रखते हैं। यानी जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको वो उस गति से नहीं सीख पाते जैसे कि क्लास में सीखनी चाहिए। इनकी सीखने की गति धीरे होती है, ये उन विषयों को जो कठिन होते हैं सीखने में बहुत समय लेते हैं। स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे बच्चों का शारीरिक वृद्धि व विकास भी कम होता है। ये हो सकता है उनके किसी हेरिडिटिकल फैक्टर के कारण हो या एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण हो, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बच्चे के अचीवमेंट पे, उसके आईक्यू लेवल पे बहुत असर पड़ता है। और जब वृद्धि और विकास की गति धीमी हो जाती है तो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनमें कंसंट्रेशन पावर की कमी आ जाती है और वो क्लास के संग नहीं चल पाते। अनप्लान्ड एक्टिविटीज, ऐसे बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अनप्लान्ड होती है। वो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, बस वो काम करते रहते हैं और तभी उन्हें अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ के कारण ही उन्हें सफलता व अचीवमेंट नहीं मिलता। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए। बैकवर्ड चिल्ड्रन जितने भी बच्चे होते हैं उनमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत कम होती है। ये बच्चे तुरंत से निर्णय नहीं ले पाते क्या करना है, क्लास में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका तुरंत से आंसर नहीं दे पाते हैं, इसीलिए ये क्लास के संग सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन भी नहीं कर पाते। अब हम आते हैं कॉसेस ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चे पढ़ाई में पिछड़े होते हैं उनके पिछड़ेपन के कुछ ना कुछ कारण जरूर होते हैं। अब हम उन कारणों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फिजिकल इम्पेयरमेंट। फिजिकल इम्पेयरमेंट यानी शारीरिक दुर्बलता। कई बार कुछ बच्चे जन्म से या जन्म के बाद किसी भी तरह की होने वाली बीमारियों के कारण उनका शारीरिक विकास रुक जाता है, उनमें शारीरिक दुर्बलता आ जाती है, जिससे कि वो बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, उनका प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता।
फिजिकल डिसेबिलिटी। कई बार फिजिकल डिसेबिलिटी या शारीरिक अक्षमताएं भी पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण होती हैं। कुछ बच्चों को सुनने में तकलीफ होती है, किसी बच्चों को देखने में तकलीफ होती है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्पीच की प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो हकलाते हैं, तुतलाते हैं। तो ऐसे बच्चे जब क्लास में क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें लगता है कि दूसरे बच्चे उनका मजाक बनाएंगे, इसीलिए वो क्लास में चुपचाप शांत बैठे रहते हैं। उन्हें कुछ समझ में आए या नहीं आए और वो कुछ भी पूछने से डरते हैं कि अगर उन्होंने कुछ पूछा तो लोग उनका मजाक बनाएंगे। तो इस तरह फिजिकल डिसेबिलिटी भी पिछड़ेपन का एक कारण होती है। फिजिकल डिजीज, कई बार कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बहुत बीमार रहने के कारण वो एक लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाते, लंबे समय तक खेल नहीं पाते, जिसके कारण कि वो एकदम से पिछड़ जाते हैं पढ़ाई में, क्योंकि उनका स्कूल के संग बहुत कोर्स निकल जाता है और वो खेल नहीं पाते बच्चों के संग, तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी रुक जाता है। तो जितनी भी फिजिकल डिजीज एक लंबे समय तक होती हैं, ये भी बच्चे के अचीवमेंट को कम करती हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, कभी कभी ऐसा होता है बच्चा के अंदर आईक्यू भी है, उसमें फिजिकली वो फिट है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट की कमी होती है, यानी कि उसका इंटरेस्ट एकेडमिक एक्टिविटी में ना होकर किसी अन्य कोकरिकुलर एक्टिविटी, किसी स्पोर्ट्स या किसी और फील्ड में होता है, जिसके कारण कि उसको एकेडमिकली पढ़ना या सीखना अच्छा नहीं लगता है। इलिटरेट पेरेंट्स, इलिटरेट पेरेंट्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। कई बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनके विषय बच्चों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस स्कूल में पढ़ना है, तो अशिक्षा के कारण बच्चे माता पिता से जो कुछ कह देते हैं वो उसे सही मान लेते हैं और खुद से ध्यान नहीं दे पाते कि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है। तो जब बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, पेरेंट्स का प्रॉपर ध्यान नहीं मिलता, तो वो भी पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे एजुकेशन और बैकवर्डनेस। हर क्लास में हर टीचर को बैकवर्ड चिल्ड्रंस मिलते ही हैं, तो उनको हम कैसे पढ़ाएं, कैसे उनको क्लास के संग कोऑर्डिनेट कराएं। फर्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस। कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल क्लासेस लगाएं, और इन क्लासेस की खास बात ये होनी चाहिए इसमें 20 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हो। टीचर खाली समय में, फ्री पीरियड में या स्कूल के बाद ऐसे बच्चों को रोककर उनके लिए स्पेशल क्लासेस लगाए और उनकी जो भी बैकवर्डनेस है या जिस सब्जेक्ट में वो पिछड़ रहे हैं उसको वो दूर करने की कोशिश करें। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल। कई मनोवैज्ञानिकों का ये भी मानना है क्योंकि ये बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट कर ही नहीं सकते, उनके अचीवमेंट के संग ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, तो इनके लिए स्कूल ही अलग होने चाहिए। अगर इस टाइप का सिस्टम हो कि जहाँ खाली बैकवर्ड बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका करिकुलम थोड़ा कम होना चाहिए, उनके कंटेंट कुछ कम होने चाहिए और उनको उन कोर्स की चीज़ों को बहुत सरल वे में पढ़ाया जाए, समझाया जाए, जिससे कि वो उस चीज़ पढ़ाई जाने वाली चीज़ को आसानी से समझ सकें। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल करिकुलम। जब हमें पता है कि बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है, वो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम उसके लिए अलग से एक स्पेशल करिकुलम बनाएं, और ख़ास बात ये हो ये स्पेशल करिकुलम वोकेशन बेस हो, यानी हम उसे पढ़ाई के साथ साथ किसी ऐसे व्यवसाय की भी शिक्षा दें जिससे आगे जाके वो अपने जीवन में जीविकोपार्जन कर सके, उसको जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इन बच्चों के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार बैकवर्डनेस या पिछड़ापन किन्हीं बहुत बड़ी कारणों से नहीं होता, छोटे छोटे कारणों के कारण होता है, तो माता पिता की व शिक्षक की गाइडेंस व काउंसलिंग के द्वारा वो पिछड़ापन दूर हो सकता है, हम उनके पिछड़ेपन के कारण जान सकते हैं और उसको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही अगर बच्चे को सही विषय चुनने में भी मदद कर सकते हैं, जिस विषय में वो पिछड़ रहा है या जिस विषय में उसका इंटरेस्ट कम है उसको हटाकर हम उसे उस डायरेक्शन या उस विषय में भी ला सकते हैं जिसमें कि उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है या जिसमें उसका अचीवमेंट ज़्यादा है। ऐसा करने पर बच्चा पढ़ेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।